दोस्तों आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर और यूपीएस के कनेक्शंस। तो चलिए शुरू करें। इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक मीटर, जनरेटर, ईएलसीबी, थ्री फेस चेंज ओवर, थ्री फेस यूपीएस, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो दोस्तों ये रहा मेन फेस मीटर से इलेक्ट्रिक पोल के लिए, और लोड मीटर से ईएलसीबी के लिए, और ये येलो फेस मीटर से इलेक्ट्रिक पोल के लिए, और ये लोड फेस मीटर से ईएलसीबी के लिए, और ये ब्लू फेस मीटर से इलेक्ट्रिक पोल के लिए, और ब्लू फेस लोड मीटर से ईएलसीबी के लिए, और ये न्यूट्रल रहेगा मीटर से इलेक्ट्रिक पोल के लिए, मीटर से एमसीबी के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए। ईएलसीबी से लोड जाएगा चेंज ओवर के लिए, थ्री फेस और न्यूट्रल, और ये मेन इनकमर रहेगा जो इलेक्ट्रिसिटी का इनकमर है, और इसके ये कनेक्शंस हैं। चेंज ओवर में इस तरह के कनेक्शंस होते हैं, एक में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन और एक में जनरेटर का कनेक्शन दिया जाता है। ये रहा जनरेटर का इनपुट, ये रेड फेस और ये येलो फेस, और ये रहा ब्लू फेस और न्यूट्रल कनेक्शन। चेंज ओवर में ये कनेक्शन हो जाता है। चेंज ओवर के लोड सेट से यूपीएस के लिए इनपुट कनेक्शन रहेगा फेस, और ये रहा येलो फेस और ये ब्लू फेस, और रहेगा न्यूट्रल। ये इनपुट कनेक्शन है जो चार्जिंग के लिए जाता है, यूपीएस ऑन होने के लिए इनपुट कनेक्शन। यूपीएस से आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को जाएगा थ्री फेस, और ये कनेक्शन हो रहा है एमसीसीबी में, ये येलो फेस और ये रहा ब्लू फेस। थ्री फेस कनेक्शन हो चुका है एमसीसीबी में, और न्यूट्रल कॉमन रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, न्यूट्रल और अर्थिंग भी कॉमन रहेगा। ये यूपीएस का आउटपुट कनेक्शन है। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, और कोई भी डाउट्स अगर हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं।